हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम भावना कांजवानी। तो मैं आज आपसे एक क्लीन अप शेयर करने जा रही हूँ, जो आप घर के रखे हुए प्रोडक्ट या स्क्रब, या फिर मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँगी, आप उससे भी बना सकते हैं। तो जस्ट एक क्लीन अप, फटाफट से देखते हैं उसमें हमारे को क्या क्या चाहिए। क्लीन अप करने के लिए जो सामान हमें चाहिए वो है ऑरेंज पील पाउडर। उसमें हम मुल्तानी मिट्टी मिक्स करके, या तो दही मिक्स कर सकते हैं आप उसके अंदर, या तो ऑरेंज जूस, फ्रेश ऑरेंज जूस यूज़ कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ ना हो तो आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम अपना फेस वॉश कर लेंगे या वाइप ऑफ कर लेंगे। अच्छे से क्लीन करने के बाद जो हमने ऑरेंज पील पाउडर और मुल्तानी मिट्टी का पाउडर, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा डीपली स्क्रब करना है तो इसमें आप लाल मसूर की दाल को पीस के भी हाफ चम्मच मिक्स कर सकते हैं। ऑरेंज पील पाउडर आपको रेडीमेड मिल जाता है, नहीं तो आप संतरा सुखा के उसका पेस्ट बना सकते हैं। ये एल्फ गुडनेस का है जो मैंने इसमें यूज़ किया है। मुल्तानी मिट्टी और लाल मसूर की दाल मिक्स करी है मैंने हाफ ऑफ स्पून ले लिया है। अब इसको आप दही के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं, या फिर आपके पास फ्रेश ऑरेंज है तो उसका जूस यूज़ कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो आप रोज़ वाटर में भी मिक्स करके लगा सकते हैं। इन सबको मैंने मिक्स कर लिया है दही के अंदर। तो अब इसको आप अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। आप इसको हेल्प ऑफ ब्रश या आप फिंगर से भी कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। इसको आप लगा लीजिए अच्छे से स्किन पे। अगर आपको नेक भी कवर करना है तो आप कर सकते हैं। इसको मैंने अप्लाई कर लिया है अच्छे से अपने स्किन पे, पूरे फेस पे। अगर आपको नेक भी कवर करना है आप इसे 5 मिनट छोड़ दीजिए। इसको अच्छे से लगा के 5 मिनट छोड़ दीजिए। जैसे कि अब आप देख रहे हैं पूरा स्क्रब सूख गया है हमारा। अब इसको हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। स्प्रे वाटर स्प्रे ले लीजिए या फिर हाथों को गीला करके इसको आप अच्छे से स्क्रब कर लीजिए, जहाँ पे भी आपको लगता है कि थोड़ा सा नीट करने की नीड है। अपने हाथों को भी आप वेट कर लीजिए अच्छे से पूरे स्किन पे। इसको 5-10 मिनट रखने के बाद इसको आप मसाज करके नॉर्मल वाटर से वॉश कर दीजिए। ये थोड़ा सूख जाएगा क्योंकि हमने इसमें मुल्तानी मिट्टी मिक्स की है। तो आप इसको रब करने से पहले फुल फेस पे पानी डैब डैब कर लीजिए या स्प्रे कर लीजिए फुल फेस पे, हल्के हल्के हाथों से, थोड़ा सा नोज के पास, थोड़ा सा जहाँ आपको ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स लगते हैं वहाँ पे आप इसको रब करके इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। तो रब करने के बाद मैंने अच्छे से वॉश कर लिया अपनी स्किन। आप देख रहे हो स्क्रब लगाने के बाद इंस्टेंट रिजल्ट है स्क्रब का। अगर आप ये हफ्ते में एक बार यूज़ करो, या जिसकी स्किन पर ज़्यादा मार्क्स हैं, पिंपल्स के मार्क्स, या फिर कोई छोटे छोटे हमारे मार्क्स पड़ जाते हैं, वो भी आप अगर इस वाले स्क्रब को आप यूज़ करते हो, हफ्ते में 2 बार भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो एकदम से रिड्यूस होना स्टार्ट होंगे। इसके बाद लास्ट स्टेप जो हमें करना है, हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं स्क्रब करने के बाद। तो बहुत ईजी है इसमें, अगर आपके पास कोई घर में मास्क हो तो आप वो यूज़ कर सकते हो, फेस मास्क, जैसे कि एक कुकुम्बर मास्क है। रेडी मास्क भी आप मार्केट से ले सकते हैं, बहुत इजीली मिल जाता है। अगर कुछ नहीं तो हमारी रसोई में से आप एक कॉफ़ी पाउडर 1 चम्मच और उसमें हनी
मिक्स करके और उसमें रॉ मिल्क कच्चा दूध उसको मिक्स करके आप लगा सकते हैं। उससे आपकी स्किन तो ग्लो करेगी ही, वो आपके पफिनेस के लिए और वो आपके स्किन पे जो और अनइवन टोन है उस पर भी काम करती है। कॉफ़ी तो हमारे एंटी एजिंग भी काम करती है। नहीं तो आप कोई फेस शीट मास्क भी लगा सकते हैं। ये मामा अर्थ का बैम्बू शीट मास्क है। ऐसे कोई शीट मास्क अगर आप इंस्टेंटली बहुत जल्दी में हैं तो ये भी लगा सकते हैं। नहीं तो कॉफ़ी शहद और कच्चा दूध उसको मिक्स करके आप 5 मिनट फेस पे लगाइए, उसके बाद आपका क्लीन अप डन है। तो मैं अभी लगाने जा रही हूँ ये मामा अर्थ का विटामिन सी मास्क। ओके, ये मैंने आपको दिखाने के लिए कॉफ़ी मास्क भी बनाया है। इसमें मैंने शहद और कॉफ़ी मिक्स करी है, मेरे पास रॉ मिल्क नहीं था। रॉ मिल्क आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव रहता है फेस के लिए। इसको बना के आप फेस पे अप्लाई कीजिए और 5 to 10 मिनट बाद रिमूव कर। आप देख रहे हैं इसमें मैंने कॉफ़ी और शहद मिक्स करा है। यहाँ पर आपको मेरी छोटी सी गुड़िया भी दिख रही है। अगर आपके पास रॉ मिल्क हो तो उसको नहीं भूलना, उसको जरूर मिक्स करना है। मेरा आइडिया ड्रॉप हो गया है, मैं मामा अर्थ का नहीं, मैं अभी ऐसी कुछ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसको अपने फेस पे लगा रही हूँ ताकि आपको पूरा आइडिया लग जाए कि घर में जो चीज़ें हो सकती है उससे हम कैसे एक नॉर्मल फटाफट से क्लीन अप कर सकते हैं। पूरा टाइमिंग इसका 20 to 25 मिनट रहेगा। अब आप विद ऑफ स्पून की मास्क हेल्प से आप इस मास्क को लगा लीजिए, क्योंकि ब्रश से भी लगा सकते हैं, इस पे जो लगा हुआ है वो भी आप इजीली अप्लाई कर लेंगे। ये जो मैंने कॉफी का पेस्ट बनाया है इसको अब आप हेल्प ऑफ स्पून से ही मैं लगा रही हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रोडक्ट है हमारा। अच्छे से आप फुल फेस पे से अप्लाई कर लीजिए। ये मैंने फुल फेस पे अप्लाई कर लिया है। इसको आप 5 to 10 मिनट थोड़ा सा ड्राई होगा, ये फुल ड्राई नहीं होगा, इसको मिक्स करते हुए नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिएगा। ये थोड़ा थिक बनेगा क्योंकि हमने इसमें हनी मिक्स करा है, उसके बहुत फ़ायदे हैं हनी और कॉफ़ी के। और रॉ मिल्क को तो उसे मिक्स करना ना भूलिए। तो अभी मैं मिलती हूँ 5 मिनट बाद आपसे। अब हम इसको साथ साथ वेट करके रिमूव करेंगे हल्के हाथ से, आप इसको मसाज करके, क्योंकि ये शहद के चक्कर में डार्क हो गया था। तो अब आप इसको रिमूव करिए धीरे धीरे, पैक रिमूव करना है। अब हम सॉफ्ट टॉवल से पोंछ लेंगे, अच्छे से वाइप ऑफ कर लेंगे। इसके बाद सनस्क्रीन लगाना ना भूलिए, सनस्क्रीन लगाना मस्त है। अगर आप कोई अपने डेली रूटीन में मॉइस्चराइज़र लगाते हैं उसमें SPF हो तो वो भी लगा सकते हैं आप। सनस्क्रीन लगाने के बाद ये हमारा क्लीन अप डन है। ये था मेरा आज का क्लीन अप। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए, और आप देखिए कितना ग्लो आएगा ये छोटा सा क्लीन अप करने के बाद। थैंक यू।